हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई अपडेट्स और नई जानकारी के साथ में DIIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो अतिथि शिक्षकों से संबंधित है। दोस्तों, चौंकिएगा नहीं, ये जो थंबनेल में आपको दिख रहा है ये अतिथि शिक्षक की जो बात की गई है वो संबंधित है छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कामोबेश अतिथि शिक्षकों की स्थिति और उनकी व्यथा बिल्कुल एक जैसी ही है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी अतिथि शिक्षक आंदोलनरत हैं और वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं तो आप देखें ये वीडियो। 300 अतिथि शिक्षक पहले भी हटाए जा चुके हैं, 2500 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 1000 अतिथि शिक्षक नौकरी से हटाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है, अब उनकी जगह नियमित शिक्षकों की पदस्थापना होगी। चुनाव से पहले इन्हें नियमित करने का वादा किया गया था, 31 मार्च तक अब अतिथि शिक्षक नौकरी कर पाएंगे। 300 अतिथि शिक्षक इससे पहले भी हटाए जा चुके हैं, 2500 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से, बड़ी खबर जहां 1000 अतिथि शिक्षक नौकरी से हटाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा न्यूज रूम से लाइव जुड़ा है। विनय, 1000 अतिथि शिक्षक नौकरी से हटाए जाएंगे, किस तरह से देखिए इस आदेश को। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने 1000 अतिथि शिक्षक, जिन्हें विद्यामितान के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया है। और अब इस आदेश के मुताबिक वो 31 जो मार्च है तब तक नौकरी कर पाएंगे। इनकी जगह अब नियमित जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये एक बड़ी बात है कि सरकार जिस तरह से चुनाव से पहले उन्हें नियमित करने का वादा करती है, लेकिन समय समय पर उन्हें अब नौकरी से हटा रही है। पहले ये बता दें कि 2017-18 से इनकी नियुक्ति की गई थी और ये एक ठेका कंपनी के माध्यम से पूरे प्रदेश में जिन जगहों पर, जिन स्कूलों में जो विशेषज्ञ टीचर नहीं थे, जिसमें गणित, विज्ञान और बाकी जो समाजशास्त्र जैसे विषय थे उनके जो शिक्षक नहीं थे, उनकी जगह ऐसे जो शिक्षक जो अभी नौकरी नहीं कर रहे थे, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और वो काबिल थे, योग्य थे, उन्हें एक ठेका कंपनी के माध्यम से वहां पर रखा गया था। और वहां पर ऐसी जो व्यवस्था की गई थी उससे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिल रहा था। उनके वहां के स्कूल के जो रिजल्ट पहले 10 या 20% जाते थे, वो जो प्रतिशत उसकी बढ़ के जो 70 से 80% हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिला था। और जो कांग्रेस ने जब चुनाव से पहले उन्हें वादा किया था कि जैसे ही सरकार बनती है उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन जैसे ही सरकार बनी उस दौरान 300 लोगों को जो अतिथि शिक्षक थे उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। और उनके बाद से आज आदेश जारी किया गया है कि 1000 जो अतिथि शिक्षक है, जो विद्यामितान है, उन्हें हटा दिया जाएगा और उनकी जगह नियमित शिक्षक रखे जाएंगे। तो अब प्रदेश में इसे लेकर के घमासान है कि से इस पर बात करेंगे हम। धर्मेंद्र वैष्णव जी विद्यामितान संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका ABC24 में। किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि 1000 अतिथि शिक्षक नौकरी से हटाए जाएंगे। जी सर जी, नमस्कार सबको। हेलो जी, जी अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं, बात कह सकते हैं आप। जी, हम लोगों को जन घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि नियमितीकरण करेंगे, पर जो अतिथि बनाया गया हम लोग को विद्या विधान से अतिथि बनाया गया, जिसमें नियम लिखा गया था कि नियमित भर्ती और पदोन्नति आएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, इस नियम से हमको दिक्कत था सर। इसलिए हमने 65 दिन का आंदोलन किया। आंदोलन में सीएम सर के साथ हमारा टेबल टॉक हुआ, जिसमें सीएम सर बोले थे कि किसी लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा और आप सबको नियमित किया जाएगा। परंतु जैसे ही स्कूल खुला हम लोग को भेजे सर, और हमारे पीछे नियमित शिक्षक भेज दिए और हम लोग आज टोटल बेरोजगार हो गए हैं सर। तो ये छलावा ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमको समझ से बाहर लग रहा है। एक तरफ नियमितीकरण करने का वादा है और एक तरफ टोटल हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है, ये हमारे समझ से बाहर हो गया है आज। धनमेन जी, ऐसी परिस्थितियों में आगे किस तरह का रुख आप लोगों का होने वाला है? क्या कुछ आप लोग सरकार से मांग करेंगे? ये देखो सर, 65 दिन का आंदोलन हुआ था, सब लोग बीवी बच्चे लेकर के सब आए थे, वही हम लोग दीपावली मनाए हैं सर, वही टोटल त्योहार मनाए थे
है ना। अब उसके बाद जब सीएम साहब का जब टेबल टॉक हुआ है तो सीएम साहब को आश्वासन काम करना चाहिए। अब इसके बाद भी नहीं करेगी तो हम फांसी का फंदा लेकर के सर वहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। सरकार का 3 साल बचा, शासन का बचा हुआ, हम क्या कर लेंगे सर उसका? हम आंदोलन ही कर सकते हैं, आंदोलन करेंगे, और मरने के सिवा हमारे पास अब कुछ चारा नहीं बचा है सर आज छत्तीसगढ़ में। जब ये लोग हमको जन घोषणा पत्र में लिखे हैं, हमको वादा किए हैं, वादा करने के बाद कर रहे हैं, और सीएम साहब जब बोल दिए हैं तो उसके बाद और कौन होता है सर बताओ? है शिक्षा मंत्री जी हमको लिखित में दिए थे कि आपको वर्ग एक में मर्ज किया जाएगा, आज वो झूठ बोल रहे हैं, विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है वैसा किया है, नियमितीकरण करने का कोई अभी ठिकाना नहीं है। तो ये तो हमारे समझ से बाहर लग रहा है सर, अब क्या करें बताइए। चलिए कुल मिलाकर धर्मेंद्र जी यदि देखें तो आप लोगों के पास आंदोलन ही एक रास्ता यहां पर बच रहा कि सरकार से अपनी बात रखने के लिए, या फिर आप लोग सरकार के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करना चाहेंगे, एक बार फिर से अपनी बात रखना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आदेश जारी हुआ उसके खिलाफ? हम फिलहाल पहले इस हफ्ते में सर सरकार से मिलेंगे, और सरकार के सही ढंग से आश्वासन नहीं मिला तो टोटल सब के सब 2516 विद्यामितान रोड पे बैठ जाएंगे सर, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी या लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहां से वापस नहीं आएंगे। क्योंकि हम लोग देख लिए सीएम साहब मुंह से बोले हैं, उसके बाद भी आज हम लोग के साथ गलत हो रहा है। पता नहीं क्या सीएम साहब को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है कि अधिकारी लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, कौन गलत कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा जी। चलिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिस तरह से विद्यामितान संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र वैष्णव जी उनसे हमने बात की और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और एक बार फिर से उनको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले विनय हम बात कर रहे थे कि सरकार को आखिर ऐसा फैसला जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया, इसके पीछे क्या कुछ कारण बताया गया? देखिए, जो बताया जा रहा है कि जो नियमित शिक्षक हैं उनकी जगह पे अब वो वहां पर पदस्थापना उनकी की जाएगी और वो वहां पर अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन एक बात ये समझना होगा कि पहले भी जो नियमित का वादा जो किया गया था आखिर उस वादे का क्या हुआ? क्योंकि जब भी सरकार जब थी बीजेपी की, उस दौरान की नियुक्ति हुई थी और एक ठेका कंपनी के माध्यम से ये अपनी जो सेवाएं वो दे रहे थे। लेकिन उस दौरान जब कांग्रेस लगातार इस बात से जो विधानसभा में और सड़क पे इस बात को उठा रही थी कि वहां पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, आईबीसी ने भी इस बात को जो खबर है उसको ब्रेक किया था, उसको प्रमुखता से इस बात को उठाया था कि एक बड़ा एक वहां पर रैकेट चल रहा है और लगभग सालाना 1 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हो रहा है इस मामले में, इस खेल में पूरा। तो उसमें जो बीजेपी है उनका रुख था कि इस तरह से भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसकी जांच करेंगे, लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि इस तरह की जो सेवाएं हैं उसे बंद कर दी जाएंगी, उसके अलावा जो दूसरी व्यवस्था लाई जाएगी। लेकिन उस दौरान जो अतिथि शिक्षक थे उनको यह आश्वासन दिया गया था कि इसमें कहीं जो व्यवस्था बदलेगी उसमें कहीं ना कहीं आपको मौका दिया जाएगा और आप किसी तरह से परेशान आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इस तरह के आदेश कहीं ना कहीं जो सरकार के जो जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसके जो विरुद्ध है, तो इसको लेकर के जो प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक उनसे हमने बात किया था तो उनका कहना था कि अब फिर से ये आंदोलन करेंगे, क्योंकि जो पिछली बार इनका जो 65 दिन का जो वादा किया गया था और उसके जो आश्वासन पर इन्होंने अपनी हड़ताल तोड़ी थी, तो अब वापस से फिर से ये हड़ताल करेंगे और जो इनका जो आश्वासन के बाद में नहीं मानेंगे और आदेश जारी होगा उसके बाद ही ये अपने जो घर में वापस जाएंगे और वहां से हड़ताल इनकी समाप्ति होगी। चलिए देखते हैं विनय आगे क्या कुछ अब इस पूरे मामले में होता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।